एक बार फिर आपको लिए चलते उत्तरकाशी, जहां पर बड़ी अपडेट मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर अब तक 41 मजदूरों में से 12 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं सीधी, जहां पर एक दूसरे को लोग मिठाइयां खिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुशी का इजहार यहां पर लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और बड़ी अपडेट कि 15 मजदूर अब बाहर निकल चुके हैं, टनल से 15 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, देख सकते हैं कि किस प्रकार वहां पर हलचल तेज दिखाई दे रही है और लोग वहां पर मिठाइयां भी बांटते हुए दिखाई दिए। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर 15 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, अब 17 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर 17 मजदूर बाहर निकल गए हैं, बाहर निकाल लिए गए। 41 मजदूरों में से 17 मजदूर बाहर निकल आए हैं, वहीं बाकी बचे हुए मजदूर भी जल्द ही वापस निकाल लिए जाएंगे। स्वागत की पूरी तैयारियां हैं, पटाखे फोड़े जाएंगे, मिठाइयां आपके सामने बट रही है, अभी जो है हर जगह पटाखे फोड़े जाएंगे। बहुत बड़ी खुशी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अब तक 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 मजदूरों में से 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी टनल से बता रहे हैं, जहां पर बड़ी सफलता यहां पर राहत बचाव प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार और हमारे ओडिशा गवर्नमेंट सबका प्रयास है, सबकी दुआ से लोगों का बुक। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां पर 41 मजदूरों में से 17 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, वहीं बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि 18 मजदूर अब बाहर निकल चुके हैं। 41 मजदूरों में से 18 मजदूर बाहर निकल चुके हैं, बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी टनल से बता रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी टनल में मौजूद है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 41 मजदूरों में से 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं TV24 पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी सफलता यहां पर मिल चुकी है। 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है 41 मजदूरों में से, जल्द ही बचे बाकी मजदूरों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। बड़ी खुशखबरी यहां पर राहत बचाव काम में लगी हुई टीमों के लिए भी बड़ी सफलता आज यहां पर मिली है। 17 दिन के लंबे इंतजार के बाद बड़ी सफलता, 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 मजदूरों में से अब तक 18 मजदूर बाहर निकल गए हैं और उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। 17 दिन से ये जंग जारी थी, जिसमें बड़ी सफलता आज मिल गई है। जल्द ही बाकी बचे हुए मजदूरों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। अब तक 18 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां पर 17 दिन से 41 मजदूर फंसे हुए थे, जिनमें से अब भी 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जल्द ही बाकी बचे मजदूर भी बाहर निकाल लिए जाएंगे। एक बड़ी सफलता यहां पर
देख सकते हैं कि लगातार वहां पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है। वहीं अगर किसी मजदूर की तबीयत या स्वास्थ्य ज्यादा खराब हो उसके लिए वहां पर हेलीकॉप्टर भी रखा गया है। अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है कि किसी मजदूर को बड़े अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़े तो उन्हें ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर भी रखे गए हैं। तमाम बचाव राहत काम में लगे हुए वहां पर लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। 17 दिन से जो मेहनत चल रही थी उसमें आज बड़ी सफलता मिल गई है। 18 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, बाकी बचे मजदूरों को भी जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। अब तक का सबसे बड़ा बचाव राहत काम यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से सफलतापूर्वक हो रहा है। एक क्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वही मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पक सिंह धामी भी वहां पर मौजूद है। पुष्कर सिंह धामी भी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए वहां पर दिखाई दिए हैं। और लोगों से बातचीत देख सकते हैं आप जो बाहर निकले हैं। देखो जी मुश्किल था, फिर भी इतने आदमियों की जान तो बचानी है। आप क्या कहेंगे अपना नाम बताइए। रामदास सर बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप लोगों ने काम किया उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट डीएम सब लोग काम किया। मैं ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं इनके? नहीं हम नहीं है, हम कंपनी के एक्चुअली नवयुग है। हम कंपनी का कंपनी भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज में। इतना मिशनरी मंगाया है, आप लोग देख रहे कि नहीं, बाहर से इतना मिशनरी आया, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए जो लोग बाहर आए, आ जाएगा एक दो घंटे में आ जाएगा। अच्छा उनकी तबीयत कैसी है आप लोगों से? तबीयत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, फर्स्ट ऑफ 100% फिट है। एक दो घंटे में सब लोग आ जाएगा, ओके। और कुछ? बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर अब 41 मजदूरों में से 22 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 22 मजदूर अब तक बाहर निकाल लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तरकाशी चैनल से बता रहे हैं, जहां पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी चैनल से जुड़ी हुई, जहां पर अब तक 22 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। लगातार बचाव कार्य जारी है और बचे मजदूरों को जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। और राहत की बात आपको बताएंगे कि राहत की बात आपको बताएंगे कि जितने भी मजदूर 22 मजदूर जो अभी तक निकले हैं वे सभी स्वस्थ हैं। उनका स्वास्थ्य सभी का अच्छा बताया जा रहा है, किसी में कोई गंभीर समस्या नहीं दिखाई दे रही। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी टनल से बता रहे हैं, जहां पर 41 मजदूरों में से 22 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। और वहीं बाहर निकाले गए सभी मजदूर उनका स्वास्थ्य अच्छा बताया जा रहा है। वहीं मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, जिन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है उनसे मिल रहे हैं, उनके परिवारजनों से मिल रहे हैं। आसपास के गांव के लोग भी मौके पर मौजूद हैं और अपने आप में एक इतिहास यहां पर लोग देख रहे हैं, किस तरह से ये जंग आज एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम शासन प्रशासन को और यूपी के रेड माइनर्स को मिली है। बड़ी सफलता यहां पर मिली है। ये जो तमाम बचाव कार्य आप देख रहे हैं, जिन मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है उनमें रेड माइनर्स, जो कि बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अब 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 मजदूरों में से 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है।
एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार टीवी 24 पर, जहां पर लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है मजदूरों का। 33 मजदूरों को अब तक सुरक्षा पूर्वक बाहर निकाल लिया गया है। 33 मजदूर अब तक बाहर निकाले जा चुके हैं। अब सिर्फ वही 7 मजदूर ही बचे हुए हैं, जल्द ही उन्हें भी निकाल लिया जाएगा। आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां पर 41 मजदूरों में से 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, वहीं बचे 8 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाएगा बहुत जल्द। आप देख सकते हैं यहां पर आर्मी का बड़ा योगदान रहा है, जब से आर्मी इस काम में लगा तब से इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था दुनिया का। खुशी है, कुछ बोल के जाइए, कुछ बोल के अंदर का क्या माहौल है, बढ़िया मौका मिला कुछ। आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 41 मजदूरों में से 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, वहीं अब 8 मजदूरों को भी जल्दी ही बाहर निकाल लिया जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस वहां पर लगातार मजदूरों के लिए खड़ी हुई है, जहां पर जैसे ही मजदूर बाहर निकले उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर सीधे अस्पताल ले जाया जाए। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि गाड़ियां जैसे ही बाहर निकले तो किसी भी प्रकार की कोई रोक ना हो, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके, इसलिए ग्रीन कॉरिडोर की भी यहां पर व्यवस्था की गई है। रास्ते में किसी भी तरह का जाम ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी यहां पर बनाया गया है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें अस्पताल से एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं, अस्पताल से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर जो मजदूर बाहर निकले हैं उन्हें अस्पताल ले के आया गया है। बड़ी खबर हम आपको उत्तरकाशी टनल से बता रहे हैं, जहां पर 41 मजदूर जो कि 17 दिन से फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, वहीं बचे हुए 8 मजदूरों को भी जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। आप देख रहे थे तस्वीरें जहां पर लोग एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे थे। चलो चलो चिन्नारी छोड़ तक, चिलियानी छोड़ तक, चलो 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 चलो, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। जी जी जी, लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है, और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से उन्हें अस्पताल पहुंचने में किसी भी प्रकार की देरी ना हो, इस वजह से ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है कि उन्हें सफलतापूर्वक और जल्द से जल्द प्राथमिक उपचार दिया जा सके, इसलिए उन्हें ये ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां पर 41 मजदूरों में से 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, वहीं 8 मजदूरों को भी जल्द बाहर निकलने की उम्मीद जताई जा रही है। कुछ ही देर में बचे 8 मजदूरों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा और उन्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। आपकी यूपी से कितने मजदूर हैं और कितने बाहर आ चुके हैं? 8 मजदूर हैं, 3 बाहर आ चुके हैं। 8 है, 3 बाहर आ चुके हैं, जो 3 बाहर आए उनकी स्थिति कैसी है? सब बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा जा रहा है। एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है, हम लोग भी अस्पताल के लिए निकल अस्पताल जा रहे हैं जी। और उसके आगे क्या आप लोगों का कार्यक्रम कैसे लेके आगे? एयरलिफ्ट करेंगे, एयरलिफ्ट करेंगे लखनऊ तक। यस, देख सकते हैं आप एम्बुलेंस किस तरह से लगातार वहां पर दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है मजदूरों के लिए कि किसी भी तरह की कोई बाधा कोई अड़चन रास्ते में ना आए और उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया जा सके, जहां उन्हें उपचार दिया जाएगा।
सामान था सामान, इसमें कौन से सामान। तमाम व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो। सब बढ़िया। आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस में बाहर निकाले गए मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अब तक 33 मजदूर बाहर निकाले जा चुके हैं। 41 मजदूरों में से 33 मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया है और उन्हें निकालकर सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है। हम आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तरकाशी टनल से, जहां पर लगातार मजदूरों को बाहर निकालने का काम जारी है। 8 मजदूर जो कि अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, उन्हें भी जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा। 17 दिन से ये युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी था, जिसमें आज बड़ी सफलता मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, बड़ी खुशखबरी आपको बता रहे हैं, जहां पर 41 मजदूरों में से 33 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो मजदूर बाहर आए हैं उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा जा रहा है, जिसमें रास्ते में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर का भी इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरीके की कोई अड़चन, कोई बाधा रास्ते में उत्पन्न ना हो। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि किस प्रकार से हलचल वहां पर तेज है। जल्द ही बचे 8 मजदूरों को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां पर 17 दिन से फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम सीधा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और बाहर निकालकर सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें, अगर किसी मजदूर की हालत या स्वास्थ्य सही नहीं है या उन्हें बड़े उपचार की जरूरत है, तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी वहां पर मौजूद है। उन्हें एयरलिफ्ट के माध्यम से भी ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में ले जाया जा सकेगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति वहां पर दिखाई देती है, तो उसके लिए भी बड़ी व्यवस्था वहां पर आप देख सकते हैं। वहीं मौके पर पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं और लगातार लोगों से मिल रहे हैं, और जो मजदूरों के परिजन हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। एक बड़ी कामयाबी के तौर पर ये देखा जा सकता है, एक बड़ा राहत बचाव काम देश के इतिहास में हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से कई अड़चनें आई इन 17 दिन में चले जो बचाव कार्य जो चलता रहा, उसमें कई तरह की अड़चनें भी देखी गई। किस तरह से रेट माइनर्स ने ये बड़ी कामयाबी हासिल की है, वहीं आपको बता दें कि पीएम मोदी भी पल पल की जानकारी यहां पर ले रहे हैं कि किस तरह से मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। तमाम जानकारी जब आप लोगों ने अंदर से निकाला मजदूरों को, वो पल कैसा था? बहुत बढ़िया। गृह से आर्मी का बड़ा योगदान रहा है, जब से आर्मी इस काम में लगा सबसे इस काम में पहुंची है, सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था दुनिया का। कुछ बोल के जाइए, कुछ बोल के अंदर का क्या माहौल है? बढ़िया मौका मिला वो कुछ। आप तस्वीरें देख रहे थे यहाँ पर, जहाँ आर्मी भी कई दिनों से मौके में मौजूद है और राहत बचाव काम में
लगातार लगी हुई है। वहीं सैनिकों के चेहरे में मुस्कान आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज जो सफलता मिली है उसके बाद एक राहत की सांस वहां पर सभी राहत बचाव काम में लगे हुए जितने भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम के लोग हैं उनमें होगी। एक बड़ी सफलता यहां पर आज मिल पाई। बड़ी खबर आपको बता दें कि 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। अब तक जितने भी मजदूर टनल में फंसे हुए थे सबको बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां पर 17 दिन से जो 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां पर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षा पूर्ण तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और लगातार उन्हें एक एक करके एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये मजदूरों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। जितने भी मजदूर वहां पर फंसे हुए थे तमाम सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 41 मजदूर जो कि फंसे हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर ऑपरेशन टनल कामयाब हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें उत्तरकाशी से, जहां पर टनल ऑपरेशन कामयाब हो गया है। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कामयाबी आज मिल चुकी है। 17 दिन के बाद ये बड़ी कामयाबी। 17 दिन से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे जिन्हें सफलता पूर्ण तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और जो मजदूर के परिजन थे उनके चेहरे में खुशी देखी जा रही है। ऑपरेशन टनल कामयाब हो गया है, सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। सबसे बड़ी कामयाबी यहां पर कि किसी भी मजदूर को कोई परेशानी कोई हानि नहीं पहुंची है। सभी मजदूरों को बाहर सफलतापूर्ण तरीके से निकाल लिया गया है। मजदूरों के बाहर आते ही परिजनों के चेहरे खिल उठे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मजदूरों के परिजनों के चेहरे खिल उठे हैं। ऑपरेशन टनल कामयाब हो गया है, सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी कामयाबी आज देश के लिए कि सभी 41 मजदूरों को सफलतापूर्ण तरीके से बाहर निकाल लिया गया है, सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। वहीं पीएम मोदी भी लगातार जानकारी ले रहे हैं टनल में फंसे हुए लोगों को कि किस तरीके से उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। मजदूरों के बाहर आते ही परिजनों के चेहरे खिल उठे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई। सत्रह दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये बड़ी सफलता आज मिल चुकी है, जहां पर 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 17 दिन से लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ और उत्तराखंड की शासन प्रशासन पूरी तरीके से लगातार मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगा हुआ था, जिसके बाद आज बड़ी सफलता यहां पर सभी को मिली है कि 41 मजदूर जो कि फंसे हुए थे सभी को बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ऑपरेशन टनल कामयाब हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं मजदूरों के बाहर निकलते हुए
उनके परिजनों के चेहरे खिल उठे। इस तरह से लोग राय देख रहे थे कि कब इन फंसे मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा, और वो दिन वो घड़ी आज आ गई कि आज सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी कामयाबी यहां पर ऑपरेशन टनल को। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी कामयाबी यहां पर SDRF, NDRF और सेना के जवानों को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां पर SDRF, NDRF और रेड माइनर्स को बड़ी सफलता मिली है। लगातार 17 दिन से सभी टीमें मजदूरों को बाहर निकालने के काम में जुटी हुई थी और आज बड़ी सफलता यहां पर सभी टीमों को मिल चुकी है। 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूर सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां पर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। 17वें दिन से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। 17वें दिन आज सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। उत्तरकाशी टनल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बड़ी कामयाबी NDRF, SDRF और सुरक्षा के जवानों और खास तौर पर यूपी के रेड माइनर्स को मिली है। आपको बता दें रेड माइनर्स के 12 सदस्यों की जो टीम थी उनके द्वारा ये सफल ऑपरेशन किया गया। वहीं SDRF और NDRF की टीम पिछले 17 दिनों से ऑपरेशन में जुटी हुई थी, मजदूरों को बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास कर रही थी और उनका वो प्रयास आज 17वें दिन कामयाब हुआ। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षा पूर्ण तरीके से बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरकाशी टनल से जुड़ी हुई, जहां सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। वहीं मजदूरों के बाहर निकलते हुए उनके मजदूरों के परिजन, उनके चेहरों में मुस्कान देखी गई। सभी लोगों में खुशी का माहौल है। जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग जुटे हुए थे उनके चेहरे में मुस्कान देखी जा रही है। लोग खुश हैं कि आज 17 दिन के बाद बड़ी कामयाबी मिल पाई, जहां 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। बड़ी कामयाबी यहां पर 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। 17 दिन से वे मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए थे, जिसमें बड़ी कामयाबी मिली है और 41 सभी जो मजदूर थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया। वहीं 41 मजदूर जो कि टनल में फंसे हुए थे, आज उन्हें नई जिंदगी मिली है। उन्हें दोबारा ये नई जिंदगी मिली है। इस जिंदगी के पीछे कड़ा संघर्ष SDRF की टीम, NDRF की टीम, सेना के जवान और तमाम लोग वहां पर जुटे हुए थे, जिसके बाद ये बड़ी सफलता मिली। वहीं देखा गया कि मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही थी सुबह से, कि किसी तरह से उन मजदूरों को निकाल लिया जाए। वहीं सभी की दुआएं और पूजा कामयाब हुआ, जहां पर सभी मजदूरों को निकाल लिया गया है। सभी की प्रार्थनाएं आज भगवान ने सुन ली, जहां पर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी 41 मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ी खुशी आपको बता रहे हैं, जहां पर सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है।
लगातार 17 दिन से TV24 भी आपको उत्तरकाशी के टनल से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचा रहा है। वहीं आज भी जो सबसे बड़ी खुशी की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, वहीं तमाम राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है और सभी शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही टनल में जो रेस्क्यू का काम चल रहा था वह पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 17वें दिन सभी मजदूर सुरक्षित निकाल लिए गए। मजदूरों के बाहर आते ही परिजनों के चेहरे खिल उठे, एक बड़ी खुशी यहां पर मजदूरों के परिजनों के लिए। सभी मजदूर जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है उनके परिवारजनों के लिए, उनके परिजनों के लिए बड़ी खुशी की खबर कि सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी की प्रार्थनाएं आज कामयाब हो गई है। तमाम कोशिशें, तमाम मेहनत के काम यहां पर NDRF, SDRF और सेना के जवान 17 दिन से कर रहे थे। आइए आपको सुनाते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कुछ कह रहे हैं। सिल्कियारा टनल के हादसे के कारण जो 41 मजदूर फंसे हुए थे वो बाहर निकले और उनकी जान बची है। सभी एजेंसियों ने विशेष रूप से PMO के मार्गदर्शन में, भारत सरकार की सब एजेंसीज, उत्तराखंड सरकार और वहां की स्थानीय जनता और सब लोगों ने रात दिन मेहनत की, परिश्रम किए, अलग अलग पर्यायों पर काम किया और उसके बाद ये सफलता मिली है। ये बहुत गहरा संकट था, पहली बार इस प्रकार का अनुभव आया। इन लोगों की जान बची, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छाएं देता हूं। और इसमें जान बचाने में जिन जिन भारत सरकार की एजेंसियों ने और राज्य सरकार की एजेंसियों ने और सभी हमारे इंजीनियर्स ने रात दिन अपने जोखिम लेकर जो काम किया है उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनके आभार व्यक्त करता हूं। ये घटना ने भी हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला है। अब हम लोग इसके बारे में टनल का सेफ्टी ऑडिट भी करने वाले हैं और टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम लोग ज्यादा से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके ये भी कोशिश करेंगे। हिमालय का स्टाटा बहुत ही फ्रेजाइल है और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वहां काम करना भी बहुत कठिन है, पर इसके ऊपर हमको उपाय ढूंढना होगा। हम निश्चित रूप से उपाय ढूंढेंगे। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार जिन जिन लोगों ने सहयोग किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से जो मजदूर हैं उनके परिवारों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि वो बेचारे वापस आए हैं, हमारे लिए सबके लिए बहुत खुशी की बात है, उनके उज्जवल भविष्य की कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को, जो कि मजदूरों को शुभकामनाएं दे रहे थे और तमाम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई टीमों को उन्होंने धन्यवाद दिया कि इतना बड़ा रेस्क्यू काम जो कि 17 दिन से चल रहा था उनको भी धन्यवाद अर्पित किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तरकाशी टनल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 17 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मजदूरों के बाहर आते ही परिजनों के चेहरे में मुस्कान देखने को मिली। सभी मजदूरों को अस्पताल भेज दिया गया है जहां उनका उपचार किया जाएगा, प्राथमिक जांच की जाएगी, जिसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो उन्हें ऋषिकेश के एम्स में भेजा जाएगा।
आपको बड़ी खबर उत्तरकाशी से बता दें, जहां पर ऑपरेशन टनल सफल हो गया है। सभी 41 मजदूरों को सफलता पूर्ण रूप से बाहर निकाल लिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और मजदूरों के बाहर निकलते ही उनके परिजनों के चेहरे खिल उठे, उनके चेहरों में मुस्कान देखी गई। आखिर इतने दिन से वे टनल में फंसे हुए थे, जिनको लेकर जाहिर है कि उनके परिवारजनों में, उनके परिजनों में चिंता रही होगी, जो आज दूर हो गई। इस कामयाबी के साथ देश में आज खुशी का माहौल है। लोग खुश हैं कि जो 41 मजदूर टनल में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं ऑपरेशन टनल कामयाब हो गया है। सत्रहवें दिन सभी मजदूरों को बाहर निकाला गया। तमाम कोशिशें की गई मजदूरों को बाहर निकालने की। जो 17 दिन का सफर था, ये काफी अड़चनों से भरा हुआ था, जिसमें आज कामयाबी रेस्क्यू टीमों को मिली है, जिसका नतीजा हम और आप देख सकते हैं कि सभी 41 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है। वही 41 मजदूरों को आज दोबारा जिंदगी मिली है। किस तरह से वे टनल में फंसे हुए थे 17 दिन से, उन्हें आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुष्कर सिंह धामी मजदूरों से मिल रहे हैं, उन्हें धारस बांध रहे हैं और शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम रेस्क्यू टीम के लोगों को उन्हें शाबाशी देते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी पीठ थपथपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी में खुशी का माहौल है। Pursued by all the disaster management authorities at that particular time. So I think it's a tremendous achievement personally for the Prime Minister and for his PMO. Down below, ministries of concern, the Ministry of Road Transport and Highways, the Ministry of Home, which has done a tremendous job of managing this, the Disaster Management Division of the MHA, and the NDMA itself, the Health Ministry. 41 मजदूरों की सफलतापूर्ण तरीके से बाहर निकलने के बाद शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया है। सभी लोग जो इस बचाव काम में जुड़े हुए थे, जुटे हुए थे, वे सभी शुभकामनाएं अब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम राजनीतिक दलों के लोग भी और जो अधिकारी भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए थे, उन्हें शुभकामनाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। Reason to celebrate that. There were every technology of the world, all advisors who were important people who played such an important role in holding our hand, giving confidence to the people on the ground and offering their advice. And very importantly, while all these agencies were working together and doing a tremendous job, the lines were open and lots of people were speaking. I know my own mobile phone was absolutely jammed. The amount of messages I was getting, the amount of calls I was getting, offering assistance of every kind. Everyone, like a few days ago, we said everyone was a cricket expert. So was everyone a disaster management expert. They had some kind of something to offer. A lot of people have gone to the ground on their... बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है, टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सफलता भावुक करने वाली है। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सफलता भावुक करने वाली है। रेस्क्यू ऑपरेशन पर पीएम मोदी का ट्वीट आप देख सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पीएम मोदी का ट्वीट, जहां पर
उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सफलता मिली है वो भावुक करने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक करने वाली है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक करने वाली है।